अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? दोबारा फिर हम आज आ चुके हैं न्यू व्लॉग के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं अपने सपोर्टर्स का। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आई थिंक सो वो थी महंगाई के ऊपर, कि मैं चाइना के मार्केट्स में गया था, वहां पे मैंने प्राइस दिखाई थी और वहां पे इतने कमेंट आए कि मैं कमेंट कर करके थक गया। और मैं जस्ट आखिर में मेरा कमेंट जस्ट यही था कि थैंक यू, मतलब इतने ज़्यादा कमेंट थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतने लोगों ने वो मेरी वीडियो को देखा, मतलब काफ़ी इंस्पायर हुआ उस चीज़ को लेके। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ चाइना से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था मुझे आजकल ब्लॉग बनाने में, तो मैंने सोचा कि आज दोबारा ब्लॉग बनाऊँ। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी हमारी, क्योंकि ऐसा होता है सम टाइम्स स्टार्ट में मैं जब लोगों को बता देता हूँ कि आज का हमारा ब्लॉग ये है, तो लोग सम टाइम्स नहीं देखते, वो कहते हैं यार ये मेरा टॉपिक नहीं है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं बताऊँ ही ना लोगों को। तो एक्चुअल में मैं अपने पीछे वाली ये जगह आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाली अगर आप देख सकते हैं, तो इतनी खूबसूरत जगह है। आप यहाँ पर, मैं लास्ट टाइम भी आया था यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हैं लोग आज निकले हुए हैं क्योंकि वायरस का सीजन जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे मेरे कैसा वेदर है और लोग काफ़ी ज़्यादा निकले हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे व्यू मैं आपको दिखाऊं। और यहाँ पे सामने मेरे बैक साइड पर वहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर जाके भी हम देखें कि वो रेस्टोरेंट खोला या नहीं खोला। तो बाकी आपसे बस यही गुजारिश है कि कोई भी टॉपिक होता है जो आप चाइना से रिलेटेड देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट में आके मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलें हम आगे चलते हैं, मैं आपको ये साथ साथ दिखाता रहता हूँ ये सारा कुछ यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे आज के हमारे ब्लॉग में, तो स्टे विद अस। वैसे आज तक मैंने इतना अच्छा मौसम नहीं देखा है, बादल आए हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है। लोग यहाँ पे आप देखें मेरे पीछे, मैंने अभी आपको दिखाया, कुछ स्केटिंग कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। तो इस तरह का वेदर हमारे पाकिस्तान में जो है वो नारायण का गान में या इन जगहों पे मिला जाता है। तो लेकिन यहाँ पर डेली हमारे ऐसा ही वेदर होता है। समटाइम्स सनशाइन को भी मिस करता हूँ, लेकिन ये वेदर का कुछ अपना ही मज़ा है। और सारा एक आप कह लें कि जो वो मूवीज़ में हम देखते थे सेम वैसा ही है, तो इसलिए सोचा कि आज मैं अपने जो देखने वाले हैं उनको भी दिखाऊं सारा। तो आप मेरे पीछे देखें इधर, और लोग बहुत इंजॉय करते हैं। एक्चुअली आज संडे है, इस वजह से लोग ज़्यादा निकले हुए हैं। तो आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है जी। तो ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, मैं एक बच्ची को बुलाता हूँ और उससे बात करता हूँ चाइनीज़ में, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि बच्चों से चाइनीज़ से बात करें। ओके, नानी शिबू शिफा माओ या शिफा माओ, वो खाना है ना नी शिफा शमा तो ना नी शिफा को आ 为什么？你说慢一点，你说太快的。你多大呢？六岁。你过来，你害羞吗？你害羞吗？那你叫什么呢？你有英文名字吗？啊？哦，Dora，那你会说英文吗？好的，那你告诉大家，你说声拜拜。
I know we'll meet again. जी तो आप लोगों ने आज हमारे व्लॉग में देखा कि हमने एक चाइनीज़ बच्चे से बात की, क्योंकि बहुत से लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि आप बच्चों से बात करें चाइना में, चाइनीज़ बोलें। फिर उसके बाद मैंने आज आपको थोड़ा सा वेदर दिखाया यहाँ पे, लोग दिखाए कि अब वायरस की सिचुएशन ख़त्म हो रही है तो लोग बाहर निकल रहे हैं। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चाइना के अंदर एक डिश बड़ी फेमस है जिसको हम हॉट पॉट का नाम देते हैं। तो एक्चुअल में हॉट पॉट होता क्या है, हम उसको देखते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि चाइना में हॉट पॉट कैसे खाते हैं, और अब तो पाकिस्तान में भी हॉट पॉट की बहुत सी शॉप्स जो हैं वो चाइनीज़ लोगों ने ओपन कर ली हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे कौन सी चीज़ें हलाल होती हैं हॉट पॉट में, कौन सी चीज़ें हम लोग खा सकते हैं, और हॉट पॉट एक्चुअल में कहते किसे हैं। तो अब भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर वो सामने पीछे ये सारी शिप्स हैं छोटी छोटी सी। तो मैं अब थोड़ी देर तक वहाँ पे जाऊँगा क्योंकि अभी डिनर टाइम हो रहा है। मेरे एटलीस्ट कोई 5:30 का टाइम है, 6 बजे तक हम पहुँचेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि हॉट पॉट होता क्या है। तो मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आप लोगों को।1 hour later， 苗肯定要吃的。然后嘞，你们家还有什么特色菜没有？虾滑得吃啊，肥肠必须要有，牛蹄筋、黄喉、小吃。摄影师来对个焦嘛，给宝贝们看一下。हॉट पॉट खाने से पहले सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें जो हैं ये करनी पड़ती हैं। इसको कहते हैं कि ये मिक्सचर होता है जो आपने बनाना होता है, और जो भी हॉट पॉट में होता है वो आप इसके अंदर डिप करके आप खाते हो। डिफरेंट किस्म के स्पाइसेस हैं, आप चूज़ करें जो आपको चाहिए। तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ, और बाकायदा इंग्लिश भी लिखी हुई है इनके साथ साथ ना। ये देखें, ये पीनट क्रम्ब है, ये सेसमी ऑयल है। तो इस तरीके से ले जी, मैंने ये कुछ पीनट्स लिए हैं, और इनके साथ जो है वो मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा जनाब अली ये वाला। ये भी पीनट की एक क्रीम सी है जो मैं इसमें ऐड करता होता हूँ। तो ये देखें, ये एक हमारा तैयार है। इसके बाद जी ये जो है ये बीफ होता है आपका, लेकिन ये हलाल नहीं होता, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, मैं तो नहीं खाता हूँ। और ये वो मेरा स्पाइसी है, यहाँ पे ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका पोर्ट होता है, जो एक स्पाइसी है, एक दूसरा, इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसको आपने डिप करना होता है 15 से 16 सेकेंड, और आपने खाना होता है। तो इसके अंदर ये देखें, आप डिप करते हैं, और डिप कर 15 से 20 सेकेंड आप वेट करते हैं, बेशक वो कोई भी चीज़ है। तो उसके बाद इस तरीके से इसको इसमें डिप करके आप खा लेते हैं। तो ये एक चीज़ है। तो चाइना में बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें डिप करते हैं। ये जी हमारे श्रिंप से बनाई गई है, इसको फ्राई किया गया है, आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं। तो डिफरेंट सी फूड्स हैं, और ये कुछ पापड़ की तरह हैं हमारे, और ये भी सी फूड है। इसके बाद दिखाता हूँ मैं, ये देखें जी, ये हमारे नूडल्स तैयार हो रहे हैं। ये कुछ नूडल्स हैं जो कि इन लोगों ने ऐसे करके तैयार करते हैं इसको। और जी ये हमारे नूडल्स जो हैं वो 10 से 20 सेकंड में तैयार होने लगे हैं। हॉट पॉट सबसे ज़्यादा फास्ट सर्विस है जी, फास्ट सर्विस। लें जी, थोड़ा सा सूप भी डालें, थोड़ा सा पुदीना डालें। ये वाह, लो जी हमारा क्या बात है भाई, वाह मज़ा आ गया भाई। ये जी हमारी आइसक्रीम है जो मैं खा सकता हूँ यहाँ पे, और यही हमारा आज का हॉट पॉट था। बहुत शुक्रिया जी।